जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने सही पढ़ा, सिर्फ 300 रुपये में हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे घर बैठे टाइपिंग सीख सकते हैं बिना कंप्यूटर और बिना लैपटॉप के मदद के। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर टाइपिंग सीखने के लिए किसी न किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, पर इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं होने वाला। इंस्टीट्यूट में सिर्फ आप लोग 30 मिनट या फिर 1 आवर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम वो आपको 1.5 आवर का प्रैक्टिस दे देगा, पर 1.5 आवर इज़ नॉट सफिशियंट फॉर गेटिंग ए गुड स्पीड। सो आप लोगों को घर में खुद से टाइपिंग करना होगा, खुद से टाइपिंग का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ से आप कोर्स को सीख ले, लेसन को वहाँ पढ़ ले, और घर में उसको घर से उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो घर पे आपके पास अगर लैपटॉप या फिर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ बहुत छोटा सा उपाय, जिसके थ्रू आप घर पे अपने स्मार्टफोन पे ही कीबोर्ड की मदद से और माउस की मदद से आप वहाँ पे टाइपिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप टाइपिंग का स्पीड का प्रैक्टिस ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नॉलेजेबल वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए होता है हम लोग को एक स्मार्टफोन, कोई सा भी स्मार्टफोन, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो। ये महज एक 5 हज़ार का फ़ोन है, जो कि आप लोग ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। आज तक 5 हज़ार का फ़ोन तो सभी के पास होता है, तो ये एक स्मार्टफोन आपको चाहिए होता है। और दूसरा चीज़ आपको चाहिए होता है मेन चीज़ कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, आपको ख़रीदना क्या होगा, एक कीबोर्ड ख़रीदना होगा। तो कीबोर्ड का प्राइस मैक्सिमम आपको पड़ेगा 250 या 300 पड़ता है। तो मैंने ये कीबोर्ड जो ख़रीदा है, ये मिनी कीबोर्ड है, मैंने इस कीबोर्ड को ख़रीदा था 250 रुपये में, और ये एक USB कीबोर्ड आता है, आप इसे ख़रीद सकते हैं, लैपटॉप क्या है ये। और इसके साथ आपको ख़रीदना होगा एक OTG केबल। OTG केबल होता क्या है, OTG केबल इस तरह का एक केबल होता है, जो कि एक साइड इसका फ़ोन पे लगता है, और दूसरा साइड इसका जो USB होता है, वो आप यहाँ डायरेक्ट इस कीबोर्ड को इसे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो कीबोर्ड कनेक्ट करें, या फिर मोबाइल को का में आप माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी ड्राइवर को कनेक्ट किया जा सकता है, किसी भी हार्डवेयर को। तो OTG केबल दो तरह का आता है, एक सिंगल आता है जो कि आप सिंगल पोर्ट का, इसमें आप सिंगल डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, और एक आता है मल्टीपल पोर्ट का। यहाँ पे यहाँ से आपको दो तीन निकला हुआ रहेगा, जिसमें आप कीबोर्ड एक साथ, पेन ड्राइव दूसरा साइड, और एक साइड माउस, तीनों एक साथ कनेक्ट कर देते हैं अपने मोबाइल पे। और अगर बिना वायर वाला चाहिए तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा OTG केबल। ये एक साइड फ़ोन कनेक्ट कीजिए, दूसरा साइड आप कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टाइप सी है, और मेरा फ़ोन में जो है वो टाइप सी नहीं कनेक्ट होता है, ये आपका टाइप बी है। तो इसके लिए हमको सिर्फ सिंपल करना क्या है, वन साइड को आपको मोबाइल पर कनेक्ट करना है, और दूसरा साइड पे आपको एक कीबोर्ड कनेक्ट कर देना है। तो जैसे हम कीबोर्ड को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसा साफ देख लेते हैं, वायर कनेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड में लाइट आ जाता है, और यहाँ पर आपको शो करने लगेगा नम लॉक, ठीक है, यहाँ देखिए कैप लॉक वर्क कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन काम करने लगा। अब हम इसके थ्रू कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपका मोबाइल पर टाइप होगा। तो उसके लिए वो करना क्या होगा, फ़ोन पर जाके आजकल बहुत सारा ऑनलाइन टाइपिंग का साइट है, वो ऑनलाइन टाइपिंग का साइट यहाँ पर खोल लेना है क्रोम में जाके। क्रोम में जाना है, और यहाँ पे गूगल सर्च करना है। तो गूगल खोलने के बाद हम लोग यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करेंगे ऑनलाइन टाइपिंग। देखिए अगर आपको हिंदी टाइपिंग करना है तो हिंदी लिखिए, इंग्लिश टाइपिंग करना है तो इंग्लिश। अब यहाँ ऑनलाइन टाइपिंग का कोई साइट यहाँ पे ब्राउज़ करना है। अगर आपका मल्टीपल पोर्ट वाला होता तो यहाँ पे आप माउस भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कीबोर्ड बन गया, बस हम लोग यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर देंगे। देखिए
तो ये मेरा टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए ये पॉज हो गया। हम इसको नीचे जाएंगे और देख सकते हैं रिज़ल्ट मेरा शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी किसी भी चीज़ को आप टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में टाइपिंग किए हैं, हिंदी में करना है तो आप हिंदी का साइट खोल लीजिए, वहाँ पर टाइप कीजिए, और इसको बाहर निकलना है तो स्केप कीजिए या फिर बैक स्पेस कीजिए। ये सब भी आपको काम करता है, देखिए काम कर रहा है। एक बार रीसेट में क्लिक कर लीजिए, फिर से आपका नया सेट हो गया। फिर से टाइप कीजिए, तो मैं तो यहाँ पे कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आपको जो भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में रूल बताया जाएगा, उस रूल को फॉलो करके अपना टाइपिंग कीजिएगा। तो इस तरह आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं कोई भी।